दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ हरिवा खोत फ्रॉम कर्नाटक। दोस्तों जो मेरे पीछे जो खेती देख रहे हैं, ये खेती जो साइड में है और साथ में ये भी खेती है जो मक्की बोई हुई है, मैंने एक ही दिन बोई थी। लेकिन दोनों खेती के अंदर डिफरेंस देखा जाएगा तो इससे कई गुना मेरी खेती जो मक्की है वो बड़ी आई हुई है। क्योंकि इसलिए बड़ी आई है कि मैंने ऑर्गेनिक सिस्टम से सिस्टम का जो बोलते हैं ऑर्गेनिक जो खते बोलते हैं वो जो खत यूज़ कर रहा हूँ। और थैंक्स बोलता हूँ ENS कंपनी को, और साथ में ENS कंपनी के अंदर से जो खत डाला है मैंने, यानी इन प्रोडक्ट जो दिया हुआ है सॉइल बूस्टर और क्रॉप बिल्डर। दोस्तों जिस दिन मैंने दोनों एक साथ बोने के बाद भी मैंने फर्स्ट जो डोज दिया था वो सॉइल बूस्टर का डोज दिया था, और सेकेंड जो डोज दिया है वो क्रॉप बिल्डर का डोज दिया था। तो अभी देखा जाएगा तो दोनों के अंदर काफ़ी कंपेयर किया तो काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट आ गया, और इस सॉइल बिल्डर और क्रॉप बिल्डर का 110% मेरे को रिजल्ट आया दोस्तों। और ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अभी भी चाहे तो आप देख सकते हैं ये मेरी जो मक्खी है ये ऑर्गेनिक खत यानी कि सॉइल बिल्डर बूस्टर और क्रॉप बिल्डर मैंने यूज़ किया हुआ है। और जो मेरे साइड में जो खेती है जो मक्की दिखाई दे रही है उन्होंने यूरिया इसराइल और कुछ भी डाला हुआ है, लेकिन दोनों के अंदर ये कंपेयर किया दोस्तों। और इसके वजह से मैं थैंक्स बोलता हूँ दोबारा एक बार ENS कंपनी को और साथ में इन प्रोडक्ट की वजह से मेरा इतना जो फसल है वो सबसे बड़ी और अच्छी है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, जय ENS, जय हो।